गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीआईएमपी यूट्यूब क्लासेस। एमबीए सेकंड ईयर का आपका सब्जेक्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। उसमें आज हम अपने यूनिट फिफ्थ का टॉपिक कर रहे हैं, जो है हमारा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। हम अपनी फिफ्थ यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, उसमें फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। प्रोजेक्ट को किस तरीके से हमें मॉनिटर करना है कि जो भी हमारे एसेंशियल स्टेप्स है सही तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, और उनमें प्रॉपरली हर एक्टिविटी को कंट्रोल करना, ये मेन फोकस है हमारा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल का। एवरी प्रोजेक्ट हैज अ लाइफ साइकिल। ड्यूरिंग दिस लाइफ साइकिल देयर आर सेवरल फेजेस कॉल्ड प्रोसेस ग्रुप्स। ये जो डिफरेंट फेजेस होते हैं हम प्रोसेस ग्रुप्स बोलते हैं। ईच ऑफ दीज प्रोसेस ग्रुप्स हैज अ डिफरेंट टाइप डिफरेंट क्रूशियल ऑब्जेक्टिव व्हिच हेल्प्स टू प्रोड्यूस डिजायर्ड आउटकम इन प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस ग्रुप एक्टिविटीज हेल्प टू कीप द प्रोजेक्ट ऑन ट्रैक। इससे हमें क्या होता है कि हम अपने प्रोजेक्ट को ट्रैक पर रख पाते हैं और सही काम सही तरीके से कर पाते हैं और सही टाइम में हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग अनलाइक द अदर फेजेस इज डन फ्रॉम द बिगिनिंग अंटिल द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। दीज प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस एक्टिविटीज चेक वेदर द प्रोजेक्ट इज गोइंग एज प्लान्ड एंड वेदर देयर आर एनी डेविएशंस फ्रॉम द बेस लाइन। की ये देख मॉनिटरिंग और कंट्रोल किस लिए किया जाता है, मेन फोकस होता है कि जैसा हमने प्लान किया था उसी प्लान में काम हो रहा है या उसमें कुछ डेविएशन है, और अगर कुछ डेविएशन पे हमने कंट्रोल रखना है, उन्हें रिमूव करना है, और जैसा हमने प्लान किया है वैसे एज इट इज करना है। द 16 बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस आर, जो 16 मेन जो हमारे टेक्निक्स या प्रैक्टिसेस है जो ज्यादातर लोग करते हैं प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग के लिए प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग के लिए, वो कौन कौन सी है। नंबर वन इज टेक एक्शन टू कंट्रोल द प्रोजेक्ट। सबसे पहले हमने एक्शन लेना है अपने प्रोजेक्ट को कंट्रोल करने के लिए। नेसेसरी स्टेप्स कंट्रोल पॉइंट्स एंड एक्शन आर टेकन टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द प्रोजेक्ट। दीज एक्शन प्रोवाइड इफ द प्रोजेक्ट इज डेविएटिंग फ्रॉम द प्लान बेस लाइन, की बेस लाइन से डेविएट हो रहा है या एज इट इज जैसे प्लान है वैसे ही चल रहा है। नेक्स्ट स्टेप इज मेजर परफॉर्मेंस, कि हमने इस स्टेप में क्या करना है, अपने परफॉर्मेंस को मेजर करना है कि क्या वो एक्चुअल मतलब जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है उसके साथ मैच कर रही है या नहीं है। यू शुड मेजर द परफॉर्मेंस इन ऑर्डर टू चेक वेदर द प्रोजेक्ट इज गोइंग वेल। फॉर इंस्टेंस कॉस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोजेक्ट विल गिव एन इंडिकेशन वेदर द प्लान बजट विल बी सफिशियंट टू कम्प्लीट द प्रोजेक्ट। शेड्यूल परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोजेक्ट विल गिव एन इंडिकेशन वेदर द प्लान शेड्यूल एंड डेट्स कैन बी रीच। की अगर हमारा किसी भी तरीके का प्रोजेक्ट है तो वो हमें बताता है, जैसे शेड्यूल परफॉर्मेंस जो हमारी है वो हमें बताती है कि हमारा शेड्यूल टाइम पे सारा काम हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट स्टेप इज डिटरमाइन वेरिएंसेस एंड इफ दे अवॉइड द चेंज रिक्वेस्ट, कि कुछ वेरिएंसेस यानी कुछ चेंजेस हैं उन्हें डिटरमाइन करना और उसमें वो वारंटी देना कि वो चेंज को रिक्वेस्ट कर सके। If there is a lot of variances from the baseline, for instance, if it is expected that the project duration will exceed the planned duration by 20%, then regarding action must be taken to meet the project targets. कि अगर हमें लग रहा है deviations हमें नजर आ रही है कि 20% और मतलब time से ज्यादा time लगेगा, तो हमें उस accordingly कुछ changes भी करने हैं ताकि हमारा project सही तरीके से execute हो सके। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप इज इन्फ्लुएंस द फैक्टर्स दैट कॉज चेंजेस, कि कौन से फैक्टर्स हैं जो उन्हें डिटरमिन करना है जो चेंजेस पर कारण बनते हैं। चेंजेस आर इनएविटेबल इन द प्रोजेक्ट बट प्रिवेंटिव एक्शंस कैन बी टेकन टू इन्फ्लुएंस द फैक्टर्स दैट कॉज चेंजेस। फॉर इंस्टेंस डिटेल्ड स्कोप एंड रिक्वायरमेंट क्लैरिफिकेशन विद द कस्टमर विल रिड्यूस द चेंजेस दैट विल बी कमिंग फ्रॉम द कस्टमर। कि अगर हम प्रॉपरली स्कोप को क्लैरिफाई करके चले, हर काम को क्लैरिफाई करके चले, तो हमें आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और जो चेंजेस हैं कस्टमर्स जो लेके आ रहे हैं वो इजीली उन्हें अडेप्ट कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज रिक्वेस्ट चेंजेस। फोर्थ स्टेप हमारा था कंट्रोल इन्फ्लुएंस द फैक्टर्स दैट कॉज चेंजेस। अब नेक्स्ट है हमारा रिक्वेस्ट चेंजेस। इफ देयर इज अ डेविएशन फ्रॉम द प्लान वैल्यूज देन द चेंज कैन बी रिक्वेस्टेड टू मीट द प्लान वैल्यूज अगेन। कि अगर हमें वैल्यूज में कुछ डेविएशन लग रही है तो हमें चेंज में रिक्वेस्ट करना है ताकि हमारी जो वैल्यूज है प्लान वैल्यूज के अकॉर्डिंगली आ सके। नेक्स्ट स्टेप इज परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल, कि हमने इसमें क्या करना है, चेंज इन द प्रोजेक्ट मस्ट बी इंप्लीमेंटेड इन एन इंटीग्रेटेड मैनर बिकॉज स्मॉल चेंज इन वन एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट माइट इफेक्ट द ओवरऑल प्रोजेक्ट। अगर हमें जो भी चेंजेस लेके आना है इंटीग्रेटेड वे में लेके आना है, क्योंकि हर चीज प्रोजेक्ट में इंटीग्रेटेड होती है, इंटरलिंक्ड होती है, तो अगर हम कुछ चेंज लेके आएंगे तो उससे पूरा प्रोजेक्ट में भी चेंजेस आएंगे, तो हमें चेंज को इस तरीके से
इम्प्लीमेंट करना है ताकि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही चेंज ना हो जाए, सिर्फ वो पोर्शन चेंज हो जहां पर हमें चेंज की रिक्वायरमेंट है. परफॉर्मिंग एन इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल इवैल्यूएट्स द चेंजेस एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट. देन अ प्रॉपर चेंज इम्प्लीमेंटेशन इज प्लान टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ चेंजेस. कि हमने फिर ऐसा प्लान एग्जीक्यूट करना है जिसके जो भी हम चेंजेस ऑपरेट कर रहे हैं उससे मिनिमाइजेशन ऑफ चेंज रिस्क आए, कि हमारा जो मतलब पूरा प्रोजेक्ट ही चेंज ना करना पड़े, सिर्फ जहां जहां उसकी नेसेसिटी है वहां पर ही चेंज हो, हर जगह पर रिस्क खत्म हो जाए. नेक्स्ट स्टेप इज अप्रूव और रिजेक्ट चेंजेस. ये भी हमारे पास ऑप्शन है कि हम चेंजेस को अप्रूव कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं. प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल प्रोसेस में अप्रूव और रिजेक्ट चेंजेस. चेंजेस आर इवैल्यूएटेड बाय द चेंज कंट्रोल बोर्ड. इफ दिस बोर्ड रिजेक्ट्स द चेंज इट वोंट बी इम्प्लीमेंटेड. इफ अ चेंज इज अप्रूव्ड प्रोजेक्ट प्लान रिविजन्स मस्ट बी डन एंड चेंज शुड बी इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली. अगर बोर्ड ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है तो वो आगे इम्प्लीमेंट हो जाएगा चेंज, और अगर रिजेक्ट कर दिया तो वहीं पर वो खत्म हो जाएगा, वो चेंज अप्रूव नहीं होगा. नेक्स्ट इज इन्फॉर्म स्टेक होल्डर्स ऑफ अप्रूव चेंजेस. कि हमारा ये भी हमारी ड्यूटी बनती है एक प्रोजेक्ट मैनेजर की, जो भी चेंजेस हुए हैं उसके बारे में स्टेक होल्डर्स को यानी जिनका इंटरेस्ट है आपके प्रोजेक्ट में उन सबको इन्फॉर्म करना कि ये चेंजेस हम लेके आए हैं अपने प्रोजेक्ट में. इफ द डिसीजन ऑफ चेंज कंट्रोल बोर्ड इज अप्रूविंग अ चेंज दिस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द स्टेक होल्डर्स बिकॉज द प्रीवियस प्लान स्कोप एंड टारगेट्स हैव अ चेंज सो द स्टेक होल्डर्स मस्ट बी नोटिफाइड अबाउट द चेंज. नेक्स्ट स्टेप इज मैनेज कॉन्फ़िगरेशन. कि हमें कॉन्फ़िगरेशन को भी मैनेज करना है कि सही काम से सब काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है. द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट डिस्क्राइब्स द मीनिंगफुल एंड प्रॉपरली वर्किंग कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मॉड्यूल्स और पार्ट्स इन ऑर्डर टू इंश्योर हेल्दी प्रोजेक्ट प्रोग्रेशन. द कॉन्फ़िगरेशन इज मैनेज. कि अगर हमें हेल्दी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है तो हमें कॉन्फ़िगरेशन की भी रिक्वायरमेंट होती है कि सही सब मीनिंगफुल वे में और प्रॉपरली काम हो रहा है या नहीं हो रहा है. Then step is create forecast. कि इसमें हमें फोरकास्टिंग भी करनी पड़ती है, प्लानिंग जहां पर हो रही है साथ साथ हमें फोरकास्टिंग भी करनी पड़ेगी. प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस ग्रुप एक्टिविटीज क्रिएट फोरकास्ट. वट विल बी द बजट ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन कम्प्लीशन. वट विल द एंड डेट ऑफ द प्रोजेक्ट इफ द प्रोजेक्ट परफॉर्म्ड एज इट परफॉर्म्ड टिल नाउ. दीस टाइप ऑफ फोरकास्ट हेल्प टू सी हाउ फार द प्रोजेक्ट इज फ्रॉम इट्स टारगेट. एक बार जब आप बजट बनाते हो कि बजट कितना टाइम में अचीव हो पाएगा, आपने जो टाइम शेड्यूल किया है उस टाइम के मतलब आपने टाइम शेड्यूल करना है कि इतने टाइम के अंदर प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा अगर इसी तरीके से सारे काम होते रहे. मतलब इस तरीके की फोरकास्टिंग आप प्रोजेक्ट में नॉर्मली करते रहते. नेक्स्ट स्टेप इज गेन एक्सेप्टेंस फ्रॉम कस्टमर. की कस्टमर से भी एक्सेप्टेंस जरूरी है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग के लिए. वंस द प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स आर कंप्लीटेड दे आर प्रेजेंटेड टू द कस्टमर. If the deliverables meet the requirements agreed with the customer in the beginning, the customer accepts the project and closing phase is triggered. कि अगर हमने starting point पे हम customer से approach करते हैं और उसे मतलब जो भी हमारा project है, project related product है, deliverables है, उन्हें वो show करते हैं, अगर हम उन्हें approve कर देते हैं तो फिर एक targeted way की ओर हमारा project आगे खिंचा चला जाता है. लेकिन अगर उसके अंदर कोई changes हो जाए तो हमें वो changes करने पड़ते हैं. नेक्स्ट इज परफॉर्म क्वालिटी कंट्रोल. की ये भी इम्पोर्टेंट स्टेप है हमारा कि जो भी हमारी क्वालिटी है उसे हमें कंट्रोल करके चलना है. यानी कि एक बार हमें बेटर क्वालिटी दे दी उस पर क्वालिटी डाउन नहीं जानी चाहिए, उससे बढ़िया ही होनी चाहिए. क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटीज टेक द क्वालिटी एटीट्यूड्स ऑफ द डिलीवर्ड आउटपुट्स. फॉर इंस्टेंस द प्रोडक्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट माइट मीट द बजट एंड शेड्यूल टारगेट्स बट द क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स माइट नॉट मीट द कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन. इन दिस केस द प्रोजेक्ट विल बी कंसीडर्ड एज फेल्ड एज वेल. कि अगर उसमें सब चीजें आपने टाइम पे प्रोजेक्ट खत्म कर दिया, आपने मतलब बजट के अंदर कर दिया, सब चीजें कर दी सही तरीके से, लेकिन अगर वो आपके मतलब कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली नहीं है, क्वालिटी आपके कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो भी आपका पूरा प्लान क्या है, फेल अपना प्रोजेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेप इज रिपोर्ट ऑन प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस. कि आपके प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस के बारे में रिपोर्ट भी आपने सबमिट कर लिया. सिंस फोरकास्टिंग एंड प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस इज मेजर ड्यूरिंग मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स आर सेंट टू रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स ड्यूरिंग दिस फेज एज वेल. इसमें भी आप अपने जो भी परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स है अपने सारे स्टेक होल्डर्स के पास, जो भी इंटरेस्टेड स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके पास भेजते हैं. नेक्स्ट इज परफॉर्म रिस्क ऑडिट. रिस्क ऑडिट क्या होता है कि जितने भी रिस्क है उन्हें एस्टिमेशन करना और उन्हें देखना उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर. रिस्क में अफेक्टेड प्रोजेक्ट ड्रास्टिकली, देयरफॉर ईच एंटीसिपेटेड रिस्क मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड एंड
रिस्क रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजी फॉर इच रिस्क मस्ट बी प्लान्ड इन केस अ रिस्क अकर्स। ऑडिट में क्या है, हमने इसे लेखा जोखा होता है ना, ऑडिट मीन हर चीज को आप देख रहे हैं कि सही तरीके से हुआ या नहीं हुआ है। वैसे जितने भी रिस्क अराइज हो सकते हैं सबको हमने कैलकुलेट कर रहे हैं, सबको पहले हमने नोट डाउन कर रहे हैं कि ये रिस्क आ सकते हैं, और अगर ये रिस्क आए तो किस तरीके से हमें स्ट्रेटेजीज बनानी है उस रिस्क को ओवरकम करने के लिए, तो वो सारी चीजें हमें रिस्क ऑडिट में करनी होती है। नेक्स्ट इज मैनेज रिजर्व्स, कि हर प्रोजेक्ट के लिए हमें रिजर्व भी मेंटेन करना जरूरी है। कि मतलब फॉर एग्जांपल आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर $1 लाख का है तो उसमें से भी 10% आपको रिजर्व रखना है एंटीसिपेटेड रिस्क के लिए, कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई जिसमें हमें इमरजेंसी फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी तो हम कहाँ से वो एट अ टाइम लेके आएंगे, इसलिए कुछ पार्ट उसका रिजर्व के लिए रखा जाता है ताकि उस जो हमारा बैड टाइम है उसके अंदर या एंटीसिपेटेड रिस्क के टाइम हम उसे उस फंड को यूज कर सके, उस रिजर्व को हम यूज कर सके, ठीक है। और अगर टाइम के रिगार्डिंग भी हम कर सकते हैं कि अगर प्रोजेक्ट हमारा 1 ईयर में कंप्लीट होना है तो हम उसे 2 मंथ्स का बोनस भी हम ऐड करके उसके साथ चल सकते हैं, ताकि अगर बीच में कोई प्रॉब्लम आए किसी भी कारण से तो हम वो 2 मंथ्स के अंदर अंदर उसे, मतलब जो भी हमारा ड्रॉबैक हुआ है, जो भी हमारा काम पीछे अटका है, उसे हम ठीक कर सकें, ठीक है। और लास्ट स्टेप है इसका, वो है हमारा एडमिनिस्ट्रेटर प्रोक्यूरमेंट। इसमें क्या है, टूल्स इक्विपमेंट्स और रिसोर्सेज कैन बी आउटसोर्स फ्रॉम अ सप्लायर ड्यूरिंग अ प्रोजेक्ट। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज परचेजेस, आउटसोर्सिंग एंड लीजिंग एक्टिविटीज आर डन ड्यूरिंग मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल फेज ऑफ अ प्रोजेक्ट। जितने भी आपके रिसोर्सेज इक्विपमेंट्स वगैरह टूल्स वगैरह यूज होते हैं उनका सबका एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड भी होना जरूरी होता है, प्रॉपर हर चीज को देखा मॉनिटर किया जाता है, हर एक्टिविटी को लीजिंग एक्टिविटी में कोई भी एक्टिविटी उसे मॉनिटर किया जाता है। ये हमारे 16 स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हम प्रोजेक्ट को मॉनिटर या कंट्रोल कर सकते हैं। इफ अ सक्सेसफुल मॉनिटरिंग कंट्रोल प्रोसेस कैन बी इंप्लीमेंटेड द होल प्रोजेक्ट हैज अ बेटर चांस टू बी सक्सेस, सो द आउटकम ऑफ क्लोजिंग प्रोसेस ग्रुप एक्टिविटीज विल बी प्लान इन द प्लानिंग फेज। की ये हमारे मेन स्टेप्स है और अगर कुछ भी इंप्रूवमेंट से क्या तो हम प्लानिंग फेज में उसमें लेके आ सकते हैं। तो मॉनिटर हमें स्टार्टिंग पॉइंट से ही करना है जब से हमारा प्रोजेक्ट इनिशिएट हो रहा है और टिल द एंड जब तक हमारा प्रोजेक्ट खत्म नहीं होता है, ताकि कोई भी डेविएशन ना आए, जैसा प्लान है वैसा ही काम होता रहे। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है 5th यूनिट का, फर्स्ट टॉपिक ही है। अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि क्या होता है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, इसके क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो टिल देन दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस।